हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 में परमाणु संरचना एवं रासायनिक आबंधन चैप्टर के अंतर्गत चुंबकीय क्वांटम संख्या एवं चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में आज अध्ययन करेंगे। पिछले कालखंड में हमने प्रथम दो क्वांटम संख्या, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या एवं द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन किए हैं। मुख्य क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन कौन से कोष है, इसके बारे में हमने समझा है। और द्विगंशी क्वांटम संख्या में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में है, एस उपकोष, पी उपकोष और डी और एफ, चार उपकोष होते हैं, उनमें से कौन से उपकोष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसके बारे में मुख्य रूप से हमने अध्ययन किया। आइए अब हम इसको तीसरे प्रकार के क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे हम अंग्रेजी में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं और इसका संकेत स्मॉल m के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। इसके बारे में हम आज यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो जानकारियाँ हैं इसको हम थोड़ा देख लें कि कौन कौन से हमको जानकारी प्राप्त होगी, और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान है वह द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करती है। अर्थात इसको संक्षिप्त में कहें तो m का मान l के मान पर निर्भर करती है। l अर्थात हम पढ़ चुके हैं, इसको समझ चुके हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो जब तक द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान हमें ज्ञात नहीं होगा तब तक हम चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान ज्ञात नहीं कर सकते। इसके लिए सूत्र है m का संभावित मान बराबर, या m का मान भी कहें तो क्या सूत्र हो सकता है इसमें, माइनस l से शून्य सहित प्लस l तक। इसमें एक बार पुनः समझ लें, माइनस एल से शून्य सहित प्लस एल तक है, अर्थात ऋण एल से शून्य को भी मिलाएंगे और धन एल तक जाना है। तो इसके लिए यहाँ पर अलग अलग मान लिखेंगे अपन, क्या क्या हो सकते हैं हम इसको अध्ययन कर चुके हैं। एक बार पुनः यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, एल का मान 0, 1, 2 और 3 होते हैं, जिसका क्रमशः यहाँ पर उपकोष, एस उपकोष होता है तो एल के लिए 0 होता है, पी उपकोष के लिए एल का मान 1, डी उपकोष के लिए एल का मान 2 और एफ उपकोष के लिए एल का मान 3 होता है। इसको हमने पिछले कालखंड में हम अध्ययन कर चुके हैं और इसी मान पर यहाँ पर हम एम के मान को भी ज्ञात करेंगे। तो जैसे एक एक हम लेते हैं, तो एक बार अपन इसको देखें, इसमें जो मान मिलेगा वो क्या मान मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इसको जानकारी लिख रहा हूँ, इसमें जानकारियाँ कौन कौन से हमको जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो पहला है इसमें किसी कोष में कितने उपकोष हैं, तो द्वि एल का मान अर्थात द्विगंशी क्वांटम संख्या बताता है, और उसके आगे है इसमें किसी उपकोष में, किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या से ज्ञात होती है, ज्ञात की जाती है। महत्वपूर्ण बिंदु है किसी भी उपकोष में कितने कक्षक होंगे, जिसको हम यहाँ पर हम कक्षकों की संख्या कहते हैं, इसके बारे में जानकारी हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या देती है। ये मुख्य है पहला बिंदु इसमें, और इसी को हम यहाँ पर आगे सूत्र के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर L का मान दिया हुआ है 0, 1, 2 और 3, इसी को सूत्र में रखते हैं। पहला कंडीशन, यदि
एल बराबर शून्य हो, अर्थात एस उपकोष। यहां पर हम संक्षिप्त में कहें ये एस उपकोष है, एल का मान जीरो है, तो एस उपकोष के लिए यहां पर रखते हैं इसमें। एस उपकोष तो यहां पर एक बार पुनः समझ लें, एल का मान शून्य रख रहे हैं, इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे तो एस उपकोष की बात कर रहे हैं कि इस एस उपकोष में कितने कक्षक होंगे। तो यहां पर सूत्र रखते हैं एम बराबर ए संभावित मान है माइनस एल, तो एल का मान यहां पर जीरो है, से शून्य सहित प्लस एल तक, तो एल यहां पर प्लस एल है, तो यहां पर एल का मान रख रहे हैं जीरो, तो प्लस जीरो तक। और हम सब जानते हैं माइनस जीरो से प्लस जीरो तक केवल जीरो ही संख्या होती है, केवल एक ही मान है जीरो। एम का मान हमको यहां पर जीरो मिला, इस जीरो का आशय यह है कि केवल एक ही संख्या है, वो एक ही मान है, क्योंकि हम क्वांटम संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो एम का मान जीरो है, अर्थात केवल एक मान प्राप्त हो रहा है, एक मान। और एक मान का आशय यहां पर है उसमें कितने कक्षक है, तो यहां पर एक मान का मतलब है केवल एक ही कक्षक इस एस उपकोष में होंगे। इसीलिए हम जब एस उपकोष की चर्चा करते हैं तो मैं साइड में लिख रहा हूं इस प्रकार से, केवल एक ही, जिसको समान शब्द में डिब्बा समझते हैं अपन, डिब्बा बना देते हैं, तो एक ही डिब्बा क्या है यहां पर, जिसको अपन यहां पर रसायन में इस परमाणु संरचना की दृष्टि से हम इसको कक्षक कहते हैं, एक ही कक्षक होंगे। तो ये हो गया पहला, यदि एल का मान शून्य होगा तो एम का मान भी जीरो होगा, अर्थात केवल एक ही मान हमको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम दूसरे मान, अर्थात एल का मान, यहाँ पर दूसरा मान हमको प्राप्त हो गया है एक, उसको भी आप अलग अलग मान को रखते जाते हैं इसमें, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब यह अभी तक प्राप्त हुआ था एस उपकोष के बारे में, इसमें केवल एक ही कक्षक प्राप्त होते हैं। दूसरा अपन देखें, यदि एल का मान एक रखें, अर्थात एक हो, इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे तो ये पी उपकोष, पी उपकोष में कितने कक्षक होंगे, अर्थात एल का मान एक है, तो कितना होगा यहां पर निकालेंगे तो हमको प्राप्त होगा इसमें एम का मान, सूत्र है माइनस एल, अर्थात एल का मान एक है, से शून्य सहित, जीरो सहित, प्लस एल, एल का मान यहां पर एक है तक है, माइनस एल से प्लस एल तक, अर्थात माइनस एक से प्लस एक तक यहां पर मान मिलेंगे। अब कौन कौन से मान होते हैं इसको भी देखेंगे, तो यहां पर माइनस एक, जीरो और प्लस वन, ये जितना मान है माइनस एक से प्लस एक, एक तक, शून्य सहित, तो तीन ही मान रहते हैं, माइनस वन, जीरो और प्लस वन, अर्थात इसमें तीन मान संभावित हैं, ये संभावित मान है सभी। इसी को हम दूसरे शब्दों में कहेंगे तो तीन कक्षक होंगे, जिसमें पहला जो कक्षक है माइनस वन, यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या की दृष्टि से, दूसरा कक्षक जीरो, और तीसरा जो कक्षक है वह प्लस एक कहलाएगा। इसी को हम संक्षिप्त में थोड़ा और लिखने का प्रयास करें, ये है पी उपकोष, और पी उपकोष को हम लोग 11वीं कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं, तीन भागों में बांटते हैं, पी एक्स कहते हैं, दूसरे को पी वाई कहते हैं, और तीसरे को पी जेड कहते हैं। अब इसी को यहाँ पर यदि चुंबकीय क्वांटम संख्या की दृष्टि से देखेंगे तो जिसे पी एक्स कहते हैं, यहाँ पर एम का मान यदि देखेंगे तो ये मान माइनस वन है, जिसे पी वाई कहते हैं
वह यहाँ पर दूसरा मान जीरो है, अर्थात पी वाई इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन जब रहेंगे तब उसके लिए एम का मान जीरो होगा, और तीसरा कक्षक जिसे हम पी जेड कहते हैं इसके लिए प्लस वन, ये तीसरा मान है यहाँ पर। तो इस अंतिम कक्षक में अर्थात पी जेड कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसके लिए एम का मान प्लस वन लिखा जाएगा। एक बार पुनः समझ लें, पहले जो कक्षक जिसे पीएक्स कक्षक कहते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब उसके लिए एम का मान चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान माइनस वन होगा। दूसरे कक्षक जिसे पी वाई कहते हैं इसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए एम का मान या चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान जीरो होगा। और जो तीसरा कक्षक है जिसे हम पी जेड कहते हैं इसमें यदि इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसके लिए एम का मान अर्थात चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान प्लस वन होगा। इसी मान को हमको यहाँ पर जब हल करेंगे तो लिखेंगे इसमें। अब तीसरा चलते हैं अपन आगे, एल का मान दो लिख के देखते हैं, अर्थात डी उपकोष के लिए जिसको अपन तीसरे क्रम से लिख रहे हैं इसमें। यहाँ पर स्टार्ट करें अपन, एल बराबर दो लिख लें। एल बराबर दो का सीधा आशय है डी उपकोष। तो डी उपकोष अर्थात एल बराबर दो के लिए उसमें कितने कक्षक होंगे तो फार्मूला रखते हैं अपन सूत्र में। तो सूत्र होता है इसका माइनस एल, तो एल का मान है दो तो ये हो गया माइनस दो, से शून्य सहित प्लस एल, एल का मान यहाँ पर दो है तो माइनस दो से प्लस दो तक मान आएगा इसमें। अब इसी को कौन कौन से मान होंगे इसको हल करेंगे इसमें। तो m बराबर माइनस दो से स्टार्ट करें और प्लस दो तक जाएं अपन, प्लस दो तक। तो कौन कौन से मान आते हैं, माइनस दो के बाद माइनस वन आता है, फिर आता है जीरो, फिर आता है प्लस वन, फिर आता है प्लस टू। तो इस प्रकार से आप देखेंगे गिनेंगे अपन एक दो तीन चार और ये पाँच, कुल मिलाकर के पांच मान हमें प्राप्त हो रहे हैं और ये संभावित मान है। पुनः एक बार यहां पर लिख रहा हूं मैं, संभावित मान। यदि इस प्रकार से L बराबर दो है तो M के कुल कितने संभावित मान होंगे तो हमको यहाँ पर सूत्र लिखना पड़ेगा माइनस L से जीरो सहित प्लस L तक, और इस प्रकार से हल करना है। इसमें से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखें इसमें पांच मान, और इस मान का मतलब है यहाँ पर कक्षक से, अर्थात दूसरे शब्दों में कहेंगे अपन तो L का मान दो है अर्थात डी उपकोष है तो उसमें कितने कक्षक होंगे, तो कितने कक्षक होंगे यहाँ पर पांच कक्षक होंगे। इसीलिए हम जब डी उपकोष की बात करते हैं, मैं आगे यहाँ पर लिख रहा हूँ अलग से, इस प्रकार से। तो जब डी बनाते हैं अपन तो इस प्रकार से पांच डिब्बा बनाते हैं, ऐसा हम संकेत दर्शाते हैं। ये पांच डिब्बा, डिब्बा का यहाँ पर आशय है, यहाँ पर समझने के लिए डिब्बा कह देते हैं, एक कक्षक है, एक एक डिब्बा माने एक एक कक्षक है। तो यहाँ पर इसका नाम भी हम जानते हैं, जैसे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, तीसरा डी जेड एक्स, और ये चौथा कक्षक है जिसे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहते हैं, और अंतिम जो कक्षक होते हैं इसे डी जेड स्क्वायर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर डी एक्स एक्स वाई कक्षक अर्थात पहला जो कक्षक है इसका यदि नामकरण करेंगे इसमें, तो यहाँ पर m का मान, यहाँ पर m के मान से मैं यहाँ पर ले रहा हूँ उसको, तो m का मान यहाँ पर पहला मान है माइनस दो, माइनस दो। दूसरे में जो मान आएंगे अर्थात डी वाई जेड में एम का मान है माइनस वन, तीसरा जिसे हम डी जेड एक्स कहते हैं उसके लिए जीरो होगा, चौथा जो कक्षक है यहाँ पर इसको मैं इस प्रकार से लाइन के द्वारा समझा रहा हूँ, तो यह है जीरो के बाद अब हम देखेंगे इसमें प्लस वन एम का मान है, और अंतिम जिसे डी जेड स्क्वायर कहते हैं उसके लिए एम का मान प्लस दो है, इसीलिए यहाँ पर ये प्लस दो होगा। इसको हम अलग से समझाने के लिए लिख रहे हैं इसमें।
तो पहले डिब्बे में अर्थात पहले कक्षक में रहेंगे तो उसके लिए m का मान -2 लिखा जाएगा, दूसरे कक्षक में लिटान रहेंगे तो उसके लिए -1 लिखा जाएगा, तीसरे कक्षक में लिटान रहेंगे तो m का मान अर्थात चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 0 होगा, चौथे कक्षक d के लिए उसके लिए +1 लिखा जाएगा, और अंतिम कक्षक जिसे dz² कहते हैं यदि इसमें इलेक्ट्रॉन है तो इसमें m का मान +2 होगा। इस प्रकार से 5 मान संभावित मान हैं, उसमें से कौन सा हो सकता है हमको उसको चयन करके लिखना है। यदि हम आगे हल करेंगे तब चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान ज्ञात करना है तब उसमें एक एक करके हमको उसमें सेलेक्ट करना है कि कौन से कक्षक में है, उसी आधार से हम इसको लिखेंगे। आगे एक मान और लिखते हैं अपन, एल का अंतिम मान तीसरा मान, तो लिखिए सब एल बराबर 3 हो, अर्थात उपकोष की चर्चा करेंगे तो यहाँ पर L बराबर 3 है तो F उपकोष को बताता है, तो वो F उपकोष की चर्चा कर रहे हैं। इस F उपकोष में कितने कक्षक होंगे ये हमको चुंबकीय क्वांटम संख्या से जानकारी प्राप्त होगी। तो सूत्र रखेंगे, तो सूत्र है -L से अर्थात -3 से +L तक अर्थात +3 तक, और बीच में यहाँ पर 0 को भी शामिल किया गया है। तो सूत्र हो गया -3 से 0 सहित +3 तक। अब इसको कौन कौन से मान होते हैं लिखेंगे अपन, तो हल करें इसमें क्रम से -3 से हमको जाना है +3 तक, उसके आगे -3 के आगे -2, -2 के आगे -1, -1 के आगे 0, 0 के आगे +1, +1 के आगे +2, और +2 के आगे होगा यहाँ पर +3। कुल मिलाकर की गिने संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 मान हमको प्राप्त होंगे, 7 मान, कुल मिलाकर के 7 मान प्राप्त होंगे। उसमें से संभावित कौन कौन से हैं, तो -3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1, 0, +1, +2, +3, इनमें से कोई भी मान संभावित हो सकते हैं यदि L का मान 3 हो। तो यहाँ पर मान का आशय सीधा सीधा यहाँ पर कक्षक से, इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे तो F उपकोष में 7 कक्षक होते हैं और ये मान इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं इसमें। अब इसी को हम संक्षिप्त में समझें, और तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए F उपकोष सब जानते हैं, हम ऐसा 7 डिब्बा बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, हम 7 कक्षक ऐसे बनाते हैं। इसका आशय ये हुआ कि इसमें m के 7 मान प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात इसी को हम दूसरे शब्दों में कहेंगे तो m बराबर, यदि इलेक्ट्रॉन f उपकोष के पहले कक्षक में होते हैं तो यहाँ पर -3, दूसरे कक्षक इसके लिए -2, तीसरे कक्षक में होंगे तो -1, m का मान है सब, चौथे कक्षक में होंगे तो m का मान 0 क्रम से ले रहे हैं अपन, और पांचवें के लिए यहाँ पर +1, छठवें कक्षक के लिए +2 और सातवें कक्षक के लिए +3। इसको और संक्षिप्त में समझें, यदि इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में ही इस पहले डिब्बे में, सामान्य शब्द में डिब्बे समझ लेते हैं इसको हम कक्षक कहते हैं, तो पहले कक्षक में होगा तो हमको m का मान -3 लिखना है, इसी प्रकार से दूसरे कक्षक में होगा तो -2 लिखना है m का मान, तीसरे कक्षक के लिए -1, चौथे के लिए 0, पांचवें कक्षक के लिए +1, छठवें कक्षक के लिए +2 और सातवें कक्षक के लिए m का मान +3 होगा। अब हमको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में है, जैसे मान लो पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन है तो हमको सीधा -3 ही लिखना है, बाकी को लिखना नहीं है यदि हल करेंगे आगे तब। तो हो गया यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या में m के मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं जो कि L के मान पर निर्भर होता है। अब इसको संक्षिप्त में समझें, हम S जब बनाते हैं तो एक ही कक्षक बनाते हैं, क्यों, क्योंकि L बराबर 0 होगा तो M के केवल एक ही मान होते हैं वो भी 0 होते हैं। L का मान यदि 1 होता है अर्थात P उपकोष के लेते हैं अपन तो 3 कक्षक बनाते हैं,
और डी के लिए हम देखते हैं इसमें ए डी के लिए एल का मान 2 होता है, यदि हम एम का मान हल करते हैं तो हमें 5 मान प्राप्त होते हैं, इसीलिए हम इसमें 5 कक्षक लिखते हैं। और एफ जिसका सीधा सा है एल बराबर 3 से, यदि इसकी बात करते हैं इसमें तो एम का मान 7 मान प्राप्त होता है, इसीलिए हम 7 कक्षक बनाते हैं इसमें। ये इसको हम संक्षिप्त में इसका सार समझ सकते हैं। आइए अब इसके जो दूसरे पहलू हैं अर्थात चुंबकीय क्वांटम संख्या से जो अन्य प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं इसके बारे में हम समझेंगे। तो पहला जानकारी मुख्य रूप से प्राप्त हुआ कि किसी भी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। आगे जानकारी अपन देखें इसमें, तो पहला जानकारी प्राप्त कर लिया। अब दूसरा जानकारी जीवन प्रभाव की व्याख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या जीवन प्रभाव की भी व्याख्या करता है। अब जीवन प्रभाव क्या है इसको अपन 11वीं कक्षा में समझ चुके हैं, पुनः हम एक बार उसको समझ लें। जीवन प्रभाव क्या है? रेखील स्पेक्ट्रम के स्रोत, मैं परिभाषा यहां पर लिख रहा हूं, रेखील स्पेक्ट्रम के स्रोत। हमने कक्षा 11वीं में अध्ययन किया है कि स्पेक्ट्रम मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में 3 प्रकार के होते हैं, रेखील, उसी प्रकार से सतत स्पेक्ट्रम और एक होता है इसमें मुख्य से बैंड स्पेक्ट्रम। आइए हम जीवन प्रभाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं, रेखील स्पेक्ट्रम के स्रोत। तो स्पेक्ट्रम में मुख्यतः 2 स्पेक्ट्रम होते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम, जिसे हमने कक्षा 11वीं में अध्ययन कर चुके हैं। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में 3 प्रकार होते हैं, रेखील स्पेक्ट्रम, सतत स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। इसमें रेखील स्पेक्ट्रम क्या है थोड़ा सा अपन समझने का प्रयास करें। इसमें इस प्रकार से कुछ रंगीन रेखाएं प्राप्त होती हैं और इसमें बीच में काली पट्टी होती है, अर्थात काली, इसको अपन कृष्ण पिंड कहते हैं, काली पिंड को। इसके द्वारा रंगीन रेखाएं एक निश्चित तरंग दैर्ध्य पर अलग अलग होती हैं। तो इस लाइन वाले जो स्पेक्ट्रम होते हैं इसी को हम संक्षिप्त में रेखील स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, और ये मुख्यतः परमाणु के द्वारा या तत्वों के द्वारा दी जाती है। और उसी परमाणु के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो परमाणु का जो स्पेक्ट्रम मुख्यतः होते हैं वह रेखील स्पेक्ट्रम होता है, और उस रेखील स्पेक्ट्रम में जो एक एक रेखाएं होती हैं इस प्रकार से, तो इस एक एक रेखाओं को यदि हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखें, ये मान लीजिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, तो एक बार पुनः समझ लें, रेखील स्पेक्ट्रम के स्रोत को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो रेखील स्पेक्ट्रम का स्रोत का सीधा मतलब है परमाणु, और परमाणु के द्वारा जो रेखाएं प्राप्त होती हैं जिसे हमने समझने के चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, तो एक एक जितने लाइन प्राप्त होते हैं इन एक एक रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यही ये जो लाइन होते हैं और पतली पतली लाइनों में बढ़ जाती है। तो जैसे उदाहरण के इस प्रकार से ये इस प्रकार से हमको प्राप्त हो रहे हैं, 3, 5, 7 अलग अलग प्रकार के पतली रेखाओं में बढ़ जाती है। इसको हम समझने के लिए भी इस प्रकार से केवल कुछ रेखाओं के बारे में यहां पर समझा रहे हैं इसमें। जैसे मान इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे और अधिक प्रकार की भी संख्याओं में भी बढ़ सकती है या कम संख्याओं में भी हो सकती है, लेकिन एक रेखा
अलग से और छोटी छोटी पतली रेखाओं में बन जाती है। इसी प्रभाव को हम कहते हैं जीमन प्रभाव। तो एक बार पुनः समझ लें, रेखीय स्पेक्ट्रम के स्रोत को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो एक रेखा और पतली रेखाओं में बन जाती है। इस प्रकार के प्रभाव को जीमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर बोर का जो परमाणु मॉडल है यह बताने में असफल हो गया कि एक रेखा अनेक छोटी छोटी रेखाओं में क्यों बढ़ जाती है, इसको नहीं समझा पाया था। अब इसको यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या के माध्यम से समझ सकते हैं, अर्थात ये कक्षकों की संख्या को निर्धारित करता है कि एक कक्षक में सॉरी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, उसी के आधार पर ये रेखाएं आपस में बढ़ जाती हैं इसमें। तो ये हो गया जीमन प्रभाव। उसी प्रकार से एक प्रभाव होते हैं स्टार्क प्रभाव। इसको मैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिख देता हूँ, पॉइंट नंबर 3 या जानकारी 3, जीमन प्रभाव के स्थान पर स्टार्क प्रभाव। स्टार्क प्रभाव क्या है, लगभग समान है, बस अंतर क्या है यहाँ पर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की जगह में विद्युतीय क्षेत्र होते हैं। परिभाषा सेम होगा, रेखीय स्पेक्ट्रम के स्रोत को यदि विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो एक लाइन और छोटी छोटी लाइनों में बढ़ जाती है। इस प्रकार के प्रभाव को स्टार्क प्रभाव कहते हैं। तो इस स्टार्क और जीमन दोनों प्रकार के प्रभाव की व्याख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या से हमको प्राप्त होती है। आगे चलें इसमें थोड़ा सा और, कक्षकों का अभिविन्यास चौथा इसमें है, कक्षकों का अभिविन्यास जिसे अंग्रेजी में हम ओरिएंटेशन कहते हैं। तो अलग अलग जो कक्षक होते हैं अलग अलग दिशा में वह विन्यस्त हो जाते हैं, एक निश्चित दिशा में चले जाते हैं। तो इसकी जानकारी भी हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या के माध्यम से प्राप्त होती है। जैसे एक उदाहरण के लिए PX, जैसे यहाँ पर P कक्षक हैं, P उपकोष हैं, इस P उपकोष में 3 कक्षक हैं, एक का नाम है PX कक्षक, PY और ये PZ। तो ये 3 दिशाओं में विन्यस्त होती हैं। तो ये कौन सा होगा, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या के आधार से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के लेते हैं, M का मान पहला PX के लिए हम हल कर चुके हैं -1, यदि PY में है तो M का मान 0 और PZ में है तो M का मान +1 होता है। अब यहाँ पर M का मान -1 इसका मतलब है वो X दिशा में है, जिसको अपन समझने किस प्रकार से लिखते हैं, ये 3 दिशाओं में इसको विन्यस्त किया जा रहा है। X अक्ष मान लीजिए, ये Y अक्ष और Z तो इसी को ही लिखना है अपन, क्योंकि जेड जो है मुख्य नाभिकीय अक्ष पर ही होते हैं। हम वाई और एक्स को बदल सकते हैं लेकिन जेड को हम इसी दिशा में होता ऐसा माना है। तो इसे PX लिखना है अपन को, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं PX है, PY है तो ये निश्चित दिशा हो गया, और PZ है तो हम इसी दिशा में ही जेड अक्ष में ही इसको निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग उसका जो ओरिएंटेशन है अभिविन्यास है इसको भी यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या बताता है। ऐसे अन्य प्रकार के जो एक S उपकोष हैं, D उपकोष हैं और F उपकोष हैं, इसके बारे में भी हम इसकी जानकारी ले सकते हैं। आगे चलें अपन चौथे प्रकार के क्वांटम संख्या, चौथा क्वांटम संख्या जिसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं, और इसको हम अंग्रेजी के स्मॉल s के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। ये चौथा क्वांटम संख्या है और अंतिम क्वांटम संख्या। इसकी सहायता से जानकारी, मुख्य रूप से जानकारी देखें अपन इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा
इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा की हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो कैसे इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा प्राप्त होगी? एक कक्षक होते हैं, इसमें अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एक का चक्रण इस प्रकार से हम तीर चिन्ह ऊपर लिखते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यदि एक ही कक्षक में है तो इस प्रकार से उसको तीर चिन्ह को नीचे तरफ दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के चक्रण, जैसे यहाँ पर इसको समझने के इस प्रकार समझ सकते हैं, अपने मुख्य अक्ष से घड़ी की सुई की दिशा, जैसे घड़ी की सुई लेफ्ट से राइट घूमता है, चक्कर लगाते हैं, वैसा ही इलेक्ट्रॉन भी अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हैं। तो ये दर्शाता है यहाँ पर, इसको अपन क्लॉक वाइज कहते हैं या क्लॉक वेज भी कहते हैं। क्लॉक वाइज हिंदी में कहेंगे तो घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी के सुई की दिशा में, इसे हम हिंदी में और दक्षिणावर्त कहते हैं। दक्षिणावर्त अर्थात बाएं से दाएं की ओर। दिशा का भी हम ज्ञान करते हैं तो जिधर से सूर्य आता है, उगता है, उसी दिशा में हम अपना चेहरा रखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे सामने की दिशा से सूर्य उग रहा है, तो दिशा को ज्ञात करने के लिए मुख्य जो नियम है, अपने सामने जो सिर है उसको सामने रखते हैं, चेहरा को। तो सामने चेहरा की ओर पूर्व और पीछे पीठ तरफ पश्चिम होता है, और बायां तरफ ये होता है इसमें उत्तर, और दायां तरफ होता है दक्षिण। इसीलिए यहाँ पर यह शब्द रखा गया है दाएं की ओर जा रहा है, अर्थात दक्षिण दिशा की ओर, मेरे ओर से ये दक्षिण दिशा है, दाएं ओर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये दक्षिणावर्त कहते हैं। उसी प्रकार से इसका उल्टा देखें अपन, ये मुख्य अक्ष है तो इसके बाईं माने सीधा सा घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, अर्थात बाईं दिशा में चल रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर। तो हो गया यहाँ पर, इसको हम एंटी क्लॉक वाइज या और दूसरे शब्द में कहेंगे तो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। इसी को हम दूसरे शब्दों में कहेंगे तो वामवर्त या वामावर्त भी कहते हैं एक ही शब्द में। इसके लिए क्या है, इसमें देखें दक्षिणावर्त का सीधा मतलब इस प्रकार से हम संकेत दर्शाते हैं अभी अंदर में यहाँ पर, और दूसरा जो तीर चिन्ह नीचे तरफ दर्शाया गया है इस प्रकार से, तो एंटी क्लॉकवाइज बताते हैं। और इसके दो ही मान होते हैं, एस के मान, एस बराबर यदि इस प्रकार से ऊपर तरफ है जिसको हम दक्षिणावर्त कहते हैं, उसके लिए एस का मान होता है प्लस हाफ, और यदि इस प्रकार से तीर चिन्ह नीचे तरफ, जैसे एक उदाहरण के लिए यहाँ पर एक कक्षक में दूसरे इलेक्ट्रॉन होंगे तब वो तीर चिन्ह नीचे तरफ दर्शाया जाता है, इसके लिए यहाँ पर एस का मान ऋण एक बटा दो, दो ही मान होते हैं, या तो प्लस हाफ होगा या तो माइनस हाफ। तो प्लस हाफ तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऊपर तरफ दिखाई दे रहा है, और चक्रण नीचे तरफ दिखाई दे रहा है इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तब उसके लिए एस का मान माइनस हाफ होगा। बस दो ही मान होते हैं। तो ये मुख्य रूप से क्या जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा के बारे में। अब यहाँ से हम एक कुछ उदाहरण लेते हैं, उसमें कैसे हल करेंगे सभी मान को एक साथ, इसको हम थोड़ा एक बार समझने का प्रयास करें। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर वापस थोड़ा सा आ रहा हूँ इसमें चुंबकीय क्वांटम संख्या के अंतर्गत। m के कुल मान, देखिए अभी तक हम लोग केवल संभावित मान लिखे थे, कुल मान ऐसे तो हम हल कर चुके हैं, लेकिन सूत्र की दृष्टि देखें, m के कुल मान इसके सूत्र है 2l प्लस 1 के बराबर होते हैं, जहाँ पर l का आशय है द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। एक उदाहरण के तौर पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा इसे, जैसे l बराबर 2 होता है तो हम हल कर चुके हैं अभी m के कुल कितने मान होते हैं, 5 मान पूरा निकाले हमने, माइनस l से प्लस l तक।
अर्थात माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन और प्लस टू, पांच मान होते हैं। यदि सूत्र की दृष्टि कहेंगे तो पांच मान, ये तो मान है पांच मान, अलग से पांच मान कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर इस फार्मूले में रख सकते हैं अपन। अर्थात देखिए यहाँ पर m बराबर पर l के जगह में मैं ये दो गुणित l, तो l का मान यदि मान लो दो लिखा जाए, तो दो गुणित दो यहाँ पर l के जगह में रख रहा हूँ मैं। और आगे सूत्र में है धन एक, हल करें तो दो दूनी चार, चार धन एक बराबर पाँच, ये पाँच कुल मान हमको प्राप्त होंगे। ऐसा हम दूसरे प्रकार से भी जीरो रख के देखेंगे, एक लिख के देखें, दो तो लिख के देख ही चुके हैं अपन, और तीन भी लिखेंगे तो तीन दूनी छः और एक सात, इस प्रकार से हमको मान मिलेगा। यहाँ पर जीरो रखेंगे तो दो गुणी जीरो बराबर जीरो, धन एक बराबर एक होगा। उसी प्रकार से तीन लिखेंगे मान लीजिए तो तीन दूनी छः एक सात मिलेगा, जिसको हमने अलग से इस प्रकार से कौन कौन संभावित मान है उसके बारे में समझे इसमें। जैसे मान लो m के कुल सात मान हैं, तो l का मान क्या होगा, l बराबर हम जानना चाहते हैं, तो सूत्र लगा सकते हैं अपन, m के कुल मान सात हैं तो इसके जगह में लिखें अपन बराबर दो गुणित l का मान हमें निकालना है। अब यहाँ पर पक्षांतर कर दें, ये 2l, ये प्लस वन को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन, सात माइनस एक बराबर छः, छः बराबर दो एल, या l का मान हमें निकालना है इसमें तो l बराबर पक्षांतर करें, अभी दो गुणित में है, बाई तरफ आकर के भागित हो जाएगा छः बट्टा दो बराबर तीन, तो ये उत्तर हो जाएगा। m के सात मान तभी आएंगे जब l का मान तीन होगा। इस प्रकार से हम दूसरे प्रकार के मान हल कर सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पर मैं इसको यहाँ पर समझाया हूँ इसमें। आगे चलें अपन, एक उदाहरण के द्वारा चुंबक सभी प्रकार के क्वांटम संख्या के मान को हल करें। जैसे 2s एक ऐसा लिखा हुआ है, माने 2s में एक इलेक्ट्रॉन है के चारों क्वांटम संख्या, का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से सवाल है, किस प्रकार से हम हल करें इसको एक बार समझें। तो पहला क्या करें देख लीजिए सरलता के लिए, एस उपकोष है तो पहले इस प्रकार से एस में एक ही कक्षक होते हैं बना दीजिए। अब यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको भी आप बना दिए। अब दूसरे यहाँ पर ये सरलता के लिए है, अब डायरेक्ट यहाँ पर चार मान हमको निकालना है, n, l, m और s का मान। अब देखिए यहाँ पर क्रम से ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये कौन से कोष में है, ये दूसरा कोष, सामने में लिखा दूसरा कोष, यही है हमारा मुख्य क्वांटम संख्या, तो यहाँ पर यही है n का मान, तो n का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा दो। इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में, तो दूसरा कोष में, अर्थात n बराबर दो। दूसरा चरण अपन l का मान हम लोग अभी समझ चुके हैं, l का मान जीरो, एक, दो, तीन, इतने ही होते हैं और क्रमशः s, p, d और f उपकोष को बताता है। तो अभी इलेक्ट्रॉन चूंकि s उपकोष में है इसे सीधा हमको लिखना है, पर l बराबर जीरो लिखना है। यदि यही p में होगा तो एक लिखेंगे, d होता तो दो लिखते, f होता तो तीन लिखे होते। आगे चलें, m बराबर सूत्र है, m बराबर माइनस l से प्लस l तक, तो माइनस जीरो से प्लस जीरो तक, तो कितना उत्तर होगा यहाँ पर केवल जीरो, जिसको हम लोग पिछले m का मान हल करते वक्त पिछले टॉपिक में हम इसको अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे चलें अपन, s बराबर तो इलेक्ट्रॉन ऊपर तरफ चक्रण दिखा रहा है क्लॉकवाइज, इसीलिए यहाँ पर ये प्लस आप होगा, ये चारों उत्तर होंगे, n बराबर दो, l बराबर a जीरो, m बराबर जीरो, s बराबर प्लस आप। मैं कुछ अन्य उदाहरण और ले रहा हूँ एक दो, ताकि हमको स्पष्ट समझ आए कि हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे। आइए एक उदाहरण लेता हूँ मैं यहाँ पर, 2p1 करता हूँ, तो इसके लिए कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमको समझना है
पहला पी लिखे हैं अपन, तो पी के लिए पहले बना दीजिए इस प्रकार से। पी में तीन कक्षक होते हैं। अब केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। एन का मान क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है दूसरे कोष में, इसीलिए एन का मान दो हो जाएगा। दूसरा चलें एल का मान, ये देखिए यहाँ पर पी उपकोष में है, तो एल का मान सीधा हमको लिखना है एक। एक एम बराबर हम जान चुके हैं, एम बराबर होता है माइनस एल से प्लस एल तक, अर्थात माइनस वन से, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, एम बराबर यदि एल का मान एक है तो एम बराबर माइनस एक से प्लस एल तक होता है जीरो सहित। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन पहले ही कक्षक में है, अर्थात यहां पर माइनस वन लिखा हुआ है, यही है एम का मान। तो यहां पर इसको मैं इस जगह पर लिख रहा हूं एम का मान माइनस वन। यदि दूसरे डिब्बे में होता तो एम का मान जीरो, तीसरे डिब्बे में जिसको कक्षक कहते हैं यहां पर ये प्लस वन हुआ होता। तो पहले कक्षक में है अर्थात एम का मान माइनस वन है। आगे चलें एस का मान, ये देखिए ऊपर तरफ चक्रण है इसीलिए इसका मान, एस का मान प्लस आप होगा। ये चार मान इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये शायद समझ आ गया होगा, एकदम कोई कठिन है ही नहीं इसमें। अब मैं थोड़ा सा जटिलता की ओर जा रहा हूँ एक साथ लिखने के लिए। जैसे प्रश्न लिख लीजिए 2p6 के चारों क्वांटम संख्या का मान याद कीजिए। ज्यादा मैं एक से अधिक यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा तो कैसे लिखें, जान समझ तो चुके हैं लेकिन लिखने का तरीका कैसे होगा संक्षिप्त में इसके बारे में समझा रहा हूँ मैं। 2p6 तो 2p6 में 6 इलेक्ट्रॉन है, उन सभी 6 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न है 2p6 के सभी शब्द को जोड़ लेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या, सभी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। सवाल है, एक बार पुनः सुन लें, 2p6 के सभी इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन माने 6 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करें। एक एक का हम अभी तक एक ही ज्ञात के थे, अब क्रमशः 6 का हम ज्ञात करेंगे एक एक का, सभी चार चार मान। तो कैसे ज्ञात होगा पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर 2p6 है तो एक बार देख लीजिए, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो लिखने का ऐसा भी लिख सकते हैं अपन इसको, ऐसा कोई वो हमको केवल अभी समझना है इसमें। ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, अब आगे चौथा इलेक्ट्रॉन, फिर ये है पांचवा इलेक्ट्रॉन और ये है छठवां इलेक्ट्रॉन। इसको एक बार अच्छा समझ लीजिए, पहला इलेक्ट्रॉन मेरे उंगली को देख लीजिए, पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है। ऐसा ना हो कि पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहेंगे तो गलत हो जाएगा। आगे चलें, यहाँ पर n का मान देखें, सभी 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में हैं, तो n बराबर सभी के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसमें। यहाँ पर मैं सभी इलेक्ट्रॉन की लिख दे रहा हूँ, सभी इलेक्ट्रॉन के लिए हमको एक एक करके लिखना नहीं है, पहला दूसरा तीसरा आदि क्रम से ऐसा लिख सकते हैं। एल बराबर देखिए सभी इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में है तो एक होगा, क्रमशः इसी प्रकार से सभी इलेक्ट्रॉन के लिए, सभी इलेक्ट्रॉन के लिए। आगे चले एम बराबर देखिए, एल बराबर एक है तो एम बराबर माइनस वन, जीरो और प्लस वन, तो पहला इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए यहाँ पर एम का मान माइनस वन होगा। इसके लिए है ये पहला और चौथा इलेक्ट्रॉन के लिए। उसी प्रकार से देखिए ये दूसरा और पांचवा इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे पांचवा इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा यहाँ पर, ये जीरो, ये यहाँ पर लिख दिए साफ साफ, दूसरा और पांचवा इलेक्ट्रॉन के लिए। और m बराबर प्लस वन भी है, ये तीसरा प्रकार है, ये कौन सा है, तीसरा और छठवां है, तीसरा और छठवां इलेक्ट्रॉन के लिए। ये हो गया m का मान। उसी प्रकार से s का मान लिखें, एस बराबर एक बार देख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा सबका चक्रण एक ही समान है, तो इसके लिए होगा प्लस हाफ, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। उसी प्रकार से नीचे तरफ देखिए, ये तीसरा सॉरी चौथा पांचवा और ये छठवां, तो एस बराबर सभी के लिए होगा माइनस हाफ, क्रमशः चौथा पांचवा और छठवां इलेक्ट्रॉन के लिए। इस प्रकार से हम संक्षिप्त में समझ सकते हैं,
हमको एक एक करके लिखानी है, हम इसको संक्षिप्त में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आज हमने इसमें चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या और कुल मिलाकर के और अन्य उसके जो सवाल हैं इसके बारे में हमें समझने का प्रयास किए, और आगे हम अगले टॉपिक इसी डेटा संबंधित कुछ टॉपिक और हैं उसको लेकर फिर हम अगले कालखंड में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।